स्वामी विवेकानंद जी जूनागढ़ में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने क्या क्या किया, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो हमने कहा कि कई बार उन्होंने मुलाकात ली, तो हम सभी मुलाकातों को पहले जूनागढ़ की सभी मुलाकातों को एक साथ ले रहे हैं। शायद उनकी अंतिम मुलाकात जो थी वो 1892 अप्रैल महीने में थी। शायद वो पालीताना के मंदिरों को देख करके वापस आ रहे थे। बम्बई की ओर जाने के पहले वे नडियाद और बड़ौदा गए। उस बीच पालीताना से नडियाद जाते समय बीच में वे जूनागढ़ गए होंगे, ऐसा अनुमान है। और उसी समय वे जूनागढ़ में उनकी अंतिम जो विजिट है, उस समय वे मनसुखराम तुरीराम त्रिपाठी, बहुत ही सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार, इनके घर में वे ठहरे थे। इसका प्रमाण यही है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के 16 पार्षदों में से एक और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद जी महाराज, वे भी उस समय सारे भारत का परिभ्रमण कर रहे थे। और कई बार इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी से आकस्मिक मुलाकात हो जाती थी, जिसमें की एक मुलाकात यह है कि उन्होंने जूनागढ़ में सुना, वे तो गए थे द्वारका के दर्शन के लिए, तो द्वारका के दर्शन जाने के पहले जब जूनागढ़ में गए तो वहां पर उन्होंने सुना कि एक बंगाली साधु आए हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। तो उस समय के जमाने में जैसा हमने कल बताया कि इंग्लिश जानने वाले साधु बहुत कम थे, तो उन्होंने सोचा हो न हो यह नरेंद्र, हमारे नरेंद्र ही हैं, यह सोचा। और फिर खोजते खोजते वे जहाँ स्वामी विवेकानंद उतरे थे वहाँ चले गए, ये मनसुखराम त्रिपाठी के यहाँ थे। और हाँ, उन्होंने यह भी सुना कि स्वामी सच्चिदानंद उनका नाम, तो जैसा कि हमने बताया स्वामी विवेकानंद जी बारंबार अपना नाम बदलते थे अपने आप को छुपाने के लिए, तो गुजरात में स्वामी विवेकानंद जी दो नाम से अधिक हमको मिलते हैं, एक स्वामी विवेकानंद एक स्वामी सच्चिदानंद। अपनी सुविधा के अनुसार वो नाम परिवर्तन कर लेते थे ताकि किसी की पकड़ में ना आ जाए, खास करके CID डिपार्टमेंट की पकड़ में ना आ जाए। और अपने गुरु भाइयों से भी दूर रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जब जीवनाती चांजमा से बात में हम बात करेंगे, जब पोरबंदर में अचानक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा दिया खबरदार कोई भी दूसरे गुरु भाई को पता ना पड़े कि मैं पोरबंदर में। तो इसलिए ये दोनों कारण से वो अपने आप को अलग रखना चाहते थे कुछ समय के लिए, गुरु भाइयों से भी अलग रखना चाहते थे और अपने आप को छिपा कर रखना चाहते थे, इसलिए नाम बदलते थे। तो यहाँ पर स्वामी सच्चिदानंद को देखने के लिए जब आए तो देखे तो यही हमारा नरेंद्र भाई है। और स्वामी विवेकानंद जी अभेदानंद जी को देख करके बहुत प्रसन्न, बहुत वर्ष बहुत समय बाद मुलाकात हो रही थी, दोनों गुरु भाई तो एक साथ श्री रामकृष्ण देव के पास दोनों ने शिक्षा पाई थी। और हम जानते हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार जब समाधि का वह समाधि की स्थिति मिली, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, उसके बाद में उनको विशेष शक्ति का जो आविर्भाव उनमें हुआ, वो शक्ति का सबसे पहले प्रयोग एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्वामी अभेदानंद जी महाराज पर किया था काशीपुर के बगान में, उसकी उद्यान बाटी में। और श्री रामकृष्ण देव ने कहा था क्यों रे अभी कमाना शुरू नहीं है, उसके पहले खर्च करना शुरू कर दिया, अरे पहले कमा ले अच्छी तरह से फिर दूसरों को इस प्रकार से स्पर्श के द्वारा। और स्वामी अभेदानंद जी को सचमुच में ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उनके हृदय में, उनके देह में, ये सब बातें हमको मालूम है। तो ये स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी विवेकानंद के बारे में अनन्य रिश्ता था, सभी गुरु भाइयों के बीच में अनन्य प्रेम था, तो बहुत ही दोनों खुश हुए। और स्वामी अभेदानंद जी का तो क्या कहना, वे तो अभिभूत हो गए, आँख में से आंसू निकलने लग गए अपने प्रिय गुरु भाई नरेंद्र भाई को देख करके। और फिर स्वामी विवेकानंद जी मनसुखराम त्रिपाठी से परिचय कराया कि ये मेरे गुरु भाई हैं स्वामी अभेदानंद जी, ये अद्वैत वेदांत में इनकी काफी पकड़ है, आप इनके साथ वेदांत पर चर्चा कर सकते हैं। अब ये बेचारे थके मांदे आए थे, कहाँ नहीं न भोजन करा न खाना खिलाना, थके हुए थे अब उस समय उनको, पर जो भी हो गुरु भाई की आज्ञा है। तो उन्होंने फिर वेदांत की कुछ बातें बताई, फिर पूर्व पक्ष से इन्होंने काफी जो वाद विवाद के लिए काफी मुद्दे उठाए मनसुखा त्रिपाठी ने, और सबका उन्होंने भली बात उत्तर दिया। मनसुखा त्रिपाठी बहुत ही प्रसन्न हुए कि आपके गुरु भाई आप ही के समान अत्यंत मेधावान हैं। और फिर उनको आग्रह किया आप यहीं पर स्वामी विवेकानंद के साथ ही भोजन ग्रहण कीजिए, दो तीन दिन वहाँ साथ में रहे, फिर स्वामी अभेदानंद जी निकल जाते हैं द्वारका के दर्शन के लिए। तो ये उन्होंने आत्मकथा में लिखा था, इससे हमको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी मनसुखराम त्रिपाठी के यहाँ पर जूनागढ़ में रहे थे। और बाद में स्वामी अभेदानंद जी की आत्मकथा के अनुसार ही उनकी मुलाकात बंबई में फिर से स्वामी विवेकानंद के साथ होती, वो भी मनसुखराम त्रिपाठी के घर में ही। तो बाद में मनसुखराम त्रिपाठी के साथ उनका ऐसा संबंध हो गया था कि वे बाद में बंबई में भी, वैसे वो ज्यादा बंबई में रहते थे, पहले बंबई में ही रहते थे, पर बाद में उनको जूनागढ़ के नवाब के प्राइवेट सेक्रेटरी के हिसाब से उनका यह कराया था, अपॉइंटमेंट कराया था। गोकुल जी जाला उस समय थे जो कि
पूरे गुजरात में उस समय बहुत उनका नाम था। तो उन्होंने नवाब जी को बोला कि आपको मैं ऐसा एक प्राइवेट सेक्रेटरी देता हूँ कि जो बम्बई में रहता है बम्बई, और वो यहाँ पर आप जब बोलेंगे तब यहाँ पर ही रहेगा, तो बम्बई का हमारा बिजनेस बम्बई के साथ के हमारा एक कनेक्टिंग लिंक हो जाए। तो इस प्रकार से ये मनसुखराम त्रिपाठी वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे नवाब के, तो कुछ समय बम्बई में रहते थे, कुछ समय जूनागढ़ में रहे। इसलिए बम्बई में भी जब मनसुखराम त्रिपाठी बाद में स्वामी जी जब बम्बई गए तब भी मनसुखराम त्रिपाठी क्या रहे, और वहाँ पर भी स्वामी अभेदानंद जी के साथ उनकी मुलाकात होती। ये बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे जब कभी समय होगा। तो अभी ये मनसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी, इनका नाम गुजरात में ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता हो, बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार, अत्यंत विद्वान। 23 मई 1840 को नडियाद में इनका जन्म हुआ और 30 मई 1907 में 67 साल की उम्र में नडियाद में ही इनका निधन हुआ। इस बीच इस 67 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, और पहले तो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई नडियाद में, कुछ हुई बाद में वो बम्बई गए, एलिफेंट कॉलेज में शिक्षा हुई और वहाँ पर बिजनेस भी किया, और बाद में साहित्यकार हुए। और 1870 में उन्होंने धर्मसभा नाम की एक संस्था का गठन किया जिसका कार्य था गुजराती भाषा को संभालना, उसकी जो असलियत है उसको बजाय रखना, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोग उसमें अंग्रेजी वगैरह अन्य शब्दों को वहाँ प्रवेश करा देते थे, उर्दू शब्दों को प्रवेश करा देते थे। वो चाहते थे कि शुद्ध गुजराती का प्रचार प्रसार हो। उस उद्देश्य से धर्मसभा नाम की एक सभा का एक संस्था का उन्होंने प्रारंभ किया, और धर्म प्रकाश नाम की पत्रिका वो भी उन्होंने प्रारंभ की जिसके कि स्वयं संपादक थे। और नडियाद में अपनी पत्नी के स्मृति में डाही लक्ष्मी लाइब्रेरी, उनकी पत्नी का नाम था डाही लक्ष्मी लाइब्रेरी, ये इस नाम से उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली। और ये भी हम बता दें कि छगनलाल पंड्या और ये दोनों बहनों ही साला का उनका रिश्ता था, मनसुखराम त्रिपाठी छगनलाल पंड्या। और छगनलाल पंड्या जिस घर में रहते थे युक्तोदय, उसके सामने ही एक मकान है, अभी तक वह हम लोग उसके कंक्लूसिवली कुछ नहीं बोल पाएंगे। कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो जो बड़ा मकान है उसी में शायद मनसुखराम त्रिपाठी रहते थे, संभव है क्योंकि दोनों बहनों ही साले थे और मनसुखराम त्रिपाठी तो बहुत बड़ा मकान पैलेशियल बिल्डिंग है, तो हो सकता है क्योंकि नवाब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बहुत संभव है। पर अभी उसके बारे में हम लोग कुछ भी कंक्लूसिवली बता नहीं सकते हैं। पर जो भी होगा, इन्होंने फिर गोकुल जी जाला ने उनको जूनागढ़ के नवाब के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रखा, ये बात बताई हमने। फिर उन्होंने और भी बहुत सारा काम किया जूनागढ़ में, तो जो काम किया फिर 1896 में उन्हें खास करके गुजराती साहित्य के लिए इनका प्रदान अनन्य है। तो 1896-96 में उन्होंने फॉर्बस नाम की संस्था शुरू की वहाँ बम्बई में, और फॉर्बस इनके मित्र थे और इसलिए फॉर्बस जीवन चरित्र उन्होंने 1896 में लिखा, और 1900 में रुग्ण गोकुल जी जाला जीवन चरित्र भी लिखा। शेक्सपियर कथा समाज ये शेक्सपियर की कथाओं का भी उन्होंने संकलन करके निकाला। ऐसे ये मनसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार और छगनलाल पंड्या के संबंधी, उससे बढ़कर के और भी यदि परिचय मनसुखराम त्रिपाठी का देना है तो वे गोवर्धन राव माधवराम त्रिपाठी के चाचा। गोवर्धन राव माधवराव त्रिपाठी को कोई भी गुजरात में न जानता हो ऐसा कोई नहीं है। ये 20 अक्टूबर 1855 को इनका जन्म हुआ नडियाद में ही, और बम्बई में 4 जनवरी 1907 को इनका निधन हुआ 51 वर्ष की उम्र में। इस बीच छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत सारा किया, पर सबसे अधिक वे जाने जाते हैं सरस्वती चंद्र नाम की जो नवल कथा उन्होंने लिखी, नॉवेल। सरस्वती चंद्र का नाम कौन नहीं जानता है, ये एक नॉवेल थी, 4 खंड में थी जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई, टीवी शो बनाए गए, ड्रामा कितने कितने इनेक्ट हुए, सिलेबस में भी कहीं कहीं पर दिया गया उसको। इस प्रकार से सरस्वती चंद्र बहुत ही उस समय के जमाने के सारा उन्होंने सरस्वती चंद्र इस नवल कथा के द्वारा गुजराती साहित्य में क्रांति लाई उन्होंने। इतना ही नहीं, उस समय के समाज पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा गुजराती समाज पर। और ये फर्स्ट वॉल्यूम 1887 में निकली, और द्वितीय वॉल्यूम 1892 में प्रकाशित हुई, तीसरी वॉल्यूम 1898 में प्रकाशित हुई, और 1901 में चौथी और अंतिम वॉल्यूम प्रकाशित हुई, अंतिम भाग उसका प्रकाशित हुआ। तो हम देखते हैं कि तीसरे और चौथे भाग में और पहले दूसरे भाग में बहुत अंतर है। बहुत सारी फिलॉसफी, खास करके वेदांत फिलॉसफी की बातें और सन्यासी की बातें, ये सब बातें तीसरे और चौथे खंड में वहां पर कही गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि
ये जो द्वितीय खंड उन्होंने 1891 में पूरा कर लिया था, और स्वामी विवेकानंद 1891 में वहाँ पर नडियाद आए थे, 1892 में नडियाद आए थे, तब तक इन्होंने द्वितीय खंड लिख लिया था। तो स्वामी ऐसा हम मान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी मुलाकात हुई होगी नडियाद में, पर उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। उनका जो मकान है वहाँ पर नडियाद में, उस मकान में वे गए होंगे कि नहीं, ये भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए हम लोग शोध चल रही है। परंतु ये स्वामी विवेकानंद के वेदांत के विचारों से अवश्य प्रभावित हुए होंगे, तभी तीसरे और चौथे ग्रंथ में वेदांत की और सन्यास की, सब सन्यासिनी सन्यासी इन सब की बातें काफी हैं। और फिर ये बहुत बड़े पोएट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, और गुजराती साहित्य परिषद के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष गुजराती साहित्य परिषद के। और इतना अधिक प्रभाव उनका गुजराती समाज पर, गुजराती साहित्य पर है, आज भी गोवर्धन माधवराव त्रिपाठी का नाम कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि 1885 से लेकर 1915 उसको माना गया है गोवर्धन युग। गोवर्धन युग के नाम से उस युग को, उस कालखंड को गोवर्धन युग के नाम से रखा गया है, उसको जाना जाता है। और 27 अप्रैल 2016 को उनकी एक पोस्टल स्टैम्प भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर से ये रिलीज की है, पोस्टल स्टैम्प गोवर्धन राव माधवराव त्रिपाठी। ये गोवर्धन राव माधवराव त्रिपाठी, उनके चाचा तो स्वामी विवेकानंद के साथ काफी आए थे, दो बार उन्होंने उसको उनका आतिथ्य ग्रहण किया था स्वामी विवेकानंद ने, माधव मनसुखराम त्रिपाठी का, उनके चाचा का, तो हम लोग समझ सकते हैं। पर उनको शिक्षा दीक्षा और गुजराती साहित्य में उनको लाना, ये सबका श्रेय उनके चाचा मनसुराम त्रिपाठी को जाता है। उन्होंने उनको खुद भी एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़े थे, उनको भी एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ाया, बम्बई में लाए उनको, उनकी बहुत प्रकार से शिक्षा दीक्षा कराई। इसलिए गोवर्धन भादुराम त्रिपाठी पर मनसुराम त्रिपाठी का काफ़ी प्रभाव था, और मनसुराम त्रिपाठी पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था। यद्यपि उम्र में बहुत छोटे थे स्वामी विवेकानंद, उस समय तो मात्र 27 साल की उम्र, और गोवर्धन माधव त्रिपाठी तो करीब 27 साल उनसे 23 साल उनसे बड़े थे, फिर भी वो तो उस समय उनका बहुत नाम था गोवर्धन माधव त्रिपाठी। और स्वामी विवेकानंद को तो कोई जानता नहीं था अमेरिका जाने के पहले, फिर भी गोवर्धन माधव त्रिपाठी ने स्वामी विवेकानंद को इतना सम्मान दिया, उनकी बातें सब वेदांत की बातें सुनी, और दो बार उनको अपने वहाँ पर उनका उनको अतिथि के रूप में रखा, जूनागढ़ एवं बम्बे में। तो ये गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी, सरस्वती चंद्र के जो नवल कथा के सर्जक, इन पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था या नहीं, उस पर शोध होनी चाहिए। पर अब तक तो हमारे पास केवल दो ही प्रमाण हैं, एक तो अत्यंत सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार गुजराती कवि उष्णस, वे कहते हैं कि तीसरे और चौथे सरस्वती चंद्र के तीसरे चौथे खंड में जो बातें आती हैं प्रैक्टिकल वेदांत की जो सी बातें हैं, ये स्वामी विवेकानंद के वेदांत के विचारों से बहुत मिलती है, और बहुत संभव है स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा हो, तभी ये तीसरे और चौथे खंड में उन्होंने वेदांत की बातें लिखी है। ये उनका अनुमान है कि अवश्य वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, एक उसकी प्रतिछाया ये तीसरे चौथे खंड में मिलती है कुछ विचारों। उसके अलावा स्क्रैप बुक एक प्रकार की डायरी जिसमें रफली उन्होंने सब कुछ लिखा था, स्क्रैप बुक ये 3 वॉल्यूम में है और 7 भागों में खंडों में है। उसमें स्क्रैप बुक में ये गोवर्धन राव माधवराम त्रिपाठी खुद लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो अद्वैत आश्रम मायावती में जो उन्होंने निर्माण किया है वहाँ उसके बारे में जानकर के मुझे बहुत ही मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं पर रह जाऊँ, अद्वैत आश्रम मायावती जाकर के रहूँ। इस प्रकार की वह भावना अपनी स्वयं की डायरी में स्क्रैप बुक में उन्होंने व्यक्त की है। तो ये दो ही हमारे पास अभी प्रमाण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गोवर्धन राव माधवराम त्रिपाठी भी मनसुखराम त्रिपाठी के समान स्वामी विवेकानंद की भावधारा के संग में आए होंगे। उनसे यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उनके मिले होंगे कि नहीं पता नहीं, एक कोई ऐसा कहता है कि वो मिले तो होंगे, क्योंकि जब 3-4 दिन तक नडियाद गए उस समय गोवर्धन और माधव त्रिपाठी नडियाद में ही थे, इस प्रकार की एक बात कोई कहते हैं, तो उन्होंने अवश्य उस समय मुलाकात की होगी स्वामी विवेकानंद जी से गोवर्धन राम त्रिपाठी ने। दूसरी बात है कि कोई कहते हैं कि
यदि मुलाकात करते तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा रहता। तो 26 अप्रैल 1892 को स्वामी विवेकानंद जी ने जो जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी देसाई को लेटर जो लिखा कि आपके मित्र मणि भाई जश भाई ने मेरा बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और फिर नडियाद में मैं मणि भाई से मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मणि भाई नभूभाई भी बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनसे भी उनकी काफ़ी बातचीत हुई। मणि भाई नभूभाई का निबंध वो खुद नहीं जा पाए थे शिकागो धर्म सभा में, तो उनका निबंध पढ़ा गया था और बहुत बड़ा था तो उसको थोड़ा काट छाट किया गया था। स्वामी जी ऐसा बताते हैं अपने पत्र में। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मनसुखराम त्रिपाठी और ये छगनलाल पंड्या तो ये दोनों संबंधी थे और इस प्रकार से, और मनसुखराम त्रिपाठी और गोवर्धनराव माधव त्रिपाठी ये तो दोनों चाचे भतीजे थे। ये सब मान लो एक ही परिवार के सब हैं, सभी नडियाद के, उनका नडियाद का ही उनका, और ये हरिदास देसाई भी नडियाद के थे, हरिदास बिहारी देसाई भी नडियाद के थे, मनसुखराम त्रिपाठी भी नडियाद के थे, गोवर्धन माधव त्रिपाठी भी नडियाद के थे, मणिभाई जशभाई भी ओरिजिनल नडियाद के थे। ये नडियाद के जो ये सब लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद का एक अनन्य नाता था। तो नडियाद में जब स्वामी जी जाएंगे तो उसके बारे में फिर ज़्यादा बातें होगी, पर आज तो हम लोग यहीं पर यहाँ पर समापन करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके कि स्वामी विवेकानंद की तीसरी अंतिम विजिट में वे मनसुखराम त्रिपाठी के यहाँ पर थे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।